ना तो वायलिन बजाना बच्चों का खेल है और ना वायलिन बनाना। इसमें बहुत हुनर और तजुर्बे की जरूरत है। आंद्रेया माजुराट बरसों से नए वायलिन बना रही हैं, पुरानों की मरम्मत कर रही हैं। Mit dem Geigenkasten nach hinten gestürzt und dann ist der Stimmstock durchgekommen und so ein Schaden. Das ist ein Albtraum. Ne? Ja. वायलिन की महारथी माजुराट ल्यूबेक में 10 साल से अपना वर्कशॉप चला रही हैं। हेलो, मेरा नाम आंद्रेया माजुराट है। मेरा काम वायलिन बनाना है। मैं यहीं ल्यूबेक में रहती हूँ, यहीं पैदा हुई। इस खूबसूरत शहर को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहला पड़ाव पुराने ल्यूबेक शहर की एक पुरातात्विक जगह। 2009 से पुरातत्व विज्ञानी यहाँ बंदरगाह वाले शहर के शुरुआती दिनों के बारे में खुदाई कर रहे हैं। आंद्रेया माजुराट का सुझाव है कि इस जगह का दौरा जरूरी है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप कई सदी पीछे चले जाते हैं, परत दर परत मिट्टी हटाई जा रही है। वायलिन बनाने के लिए भी मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। एक बार आप पुराने साज के कलपुर्जों को अलग करके समझना सीखेंगे, तभी नई चीज बना सकते हैं। इस जगह पर 2013 तक खुदाई और खोज का काम चलता रहेगा। कारोबारी शहर ल्यूबेक में कला को बढ़ावा देने की परंपरा रही है और उसकी एक मिसाल है यहाँ का म्यूजिक कॉलेज। आइए आपको ल्यूबेक का म्यूजिक कॉलेज दिखाऊं। यहाँ हमेशा कंसर्ट और मास्टर कोर्स होते हैं, खुला कंसर्ट भी होता है। यहाँ जर्मनी और बाहर के छात्र पढ़ने आते हैं। हम आजादे मकसूदी से मिलने वाले हैं। ये ल्यूबेक के शानदार वायलिनिस्ट हैं। तो म्यूजिक कॉलेज ही उनका दूसरा सुझाव है। निजी पहल पर यह कॉलेज 1918 में बना। आंद्रेया माजुराट के दोस्त आजादेह मकसूदी जैसी प्रतिभाओं ने इस कॉलेज को और भी खास बना दिया है। इस जगह के छात्रों ने कई बार जर्मनी के नामी राष्ट्रीय यूगेंड म्यूजिशियट प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। पूरे साल यहाँ म्यूजिक स्कूल से जुड़े लोग आते हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कंसर्ट की भी तैयारी होती है। मिसाल के तौर पर पूरे बाल्टिक इलाके के म्यूजिक स्कूलों के सदस्य यहाँ आते रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और बाल्टिक की लहरों के बीच बसे ल्यूबेक में आंद्रेया माजुराट का तीसरा सुझाव ब्रोटेनर में नदी का ये तट है। लगभग 4 किलोमीटर लंबा तट पक्षी विहार का एक हिस्सा है। इस वजह से यहाँ बांध नहीं बनाया जा सकता है। जब तूफान आते हैं तो यहाँ कई बार खास तरह के पत्थर मिल जाते हैं। हम लोग ल्यूबेक से 18 किलोमीटर दूर बाल्टिक में हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आमतौर पर हफ्ते की छुट्टी वाले दिन यहाँ आ जाते हैं, वॉक करते हैं, पत्थर खोजते हैं। कभी कभी हमें बेहतरीन पत्थर मिल जाते हैं। एक बार तो मुझे मूंगा मिल गया। ये हमारे वायलिन के वार्निश के लिए बहुत अच्छा है। Ist ja kein Stein, sondern ein fossiles Harz. Und das brauchen wir für unseren Geigenlack. छोटे से शहर ल्यूबेक की सैर हो जाए तो समुद्र के किनारे की एक लंबी वॉक आपको बहुत सुकून दे सकती है।